अगर अपनी जो बैग है वो बन चुकी है पूरी तरीके से कम्प्लीटली और हो चुकी है टाइट। कुछ भी हो जाए बैग तो नहीं गिरने वाला है। तो चलते हैं अब आगे, करते हैं पहले फ़ोन को सेट। ये हो गया अपना फ़ोन सेट हो गया यहाँ पे। इसलिए भैया जो है वो बाहर जा चुके हैं, अपनी बाइक को वार्म अप कर रहे हैं। चलते हैं गाइस बाहर अब। तो गाइस अभी जो है बाइक जो है वो वार्म अप हो रही है। तो सुबह के टाइम पे जब भी अगर आप अपनी बाइक को निकाल रहे हैं तो वार्म अप करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बाइक के लिए। वार्म अप करके ही निकले जब भी निकले, खास करके इन सुपर बाइक को। तो गाइस चलिए अब राइड को स्टार्ट करते हैं। निकला जाए अब गैंगटॉक वापस से उन्हीं माउंटेन्स में, बट हर एक बार एक नया सफर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस क्या ग्रीनरी है ना, मतलब बाबा लेवल का। मतलब इस जगह से, मतलब इस रोड से, इस पूरे, मतलब अभी कुछ देर में माउंटेन स्टार्ट हो जाएगा उन माउंटेन से, मतलब इतना ज़्यादा मुझे प्यार है ना कि मैं बोर तो हो ही नहीं सकता हूँ। मतलब अभी रिसेंटली ये मेरा फोर्थ टाइम रहेगा सेम रोड्स पे, इस रोड पे मैं फोर्थ टाइम आ रहा हूँ मैं, बट स्टिल मतलब एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई है मेरा कि मतलब फिर से मैं उन्हीं सड़कों पे राइड करने वाला हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और फिर से मैं उन माउंटेन्स पे जा रहा हूँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिल लगता है मेरा। सो सामने रहा गाइस परफेक्ट व्यू माउंटेन्स वापस से, मतलब मज़ा आने वाला है वापस से मुझे यार। मिस्ड देम सीरियसली, बहुत मिस करा इसी के लिए फटाक से विद इन आई थिंक दो मंथ भी नहीं हुए मुझे यहाँ आए हुए, विद इन मतलब लिटरली 1.5 मंथ्स वापस से इन्हीं पहाड़ों में मैं आ चुका हूँ। मज़ा आने वाला है वापस से मुझे तो। बस ये ज़्यादा टाइम का जो एक्साइटमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है मेरा, बट लौटते टाइम यार इन हिल्स को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है मेरा। लिटरली एक रत्ती नहीं मन करता है कि मैं वापस जाऊं। बट चलते हैं अभी पहले ट्रिप को स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स वाले, घुसते हैं अंदर माउंटेन्स में अब। ऑन ड्यूटी NH7178। तो देखिए किसले भैया को सैडलिंग करते हुए TRK पे। तो गाइस रोड की जो हालत है वो वैसी ही है, टूटी फूटी है, बट यस बारिश नहीं है अभी यहाँ पे, ठंड का टाइम है तो लोड कम है, थोड़ा कीचड़ नहीं है तो बाइक्स आराम से चल रही हैं। बिकॉज जब लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आपने वीडियो में दिखा ही रहा क्या हालत हुई थी अपनी भूसा की, भाई साहब कीचड़ों में तो लग रहा था कि ऐसे कि किसी ने मतलब जैसे ब्रेड के ऊपर टोस्ट लगाते हैं, ब्रेड के वैसे बटर लगाते हैं ना, वैसे ही अब अपने भूसा के ऊपर लगा था किसी ने कीचड़ लगाया है, तो ये हालत हुई थी। बट इस टाइम अच्छा है, बट स्टिल रोड ख़राब है और मैं अपनी हार्ले से आया हूँ तो मुझे तो प्रॉब्लम होने वाला है, थोड़ा बहुत माइनर है बट उतना मैनेज है। हाँ किसले भैया को मज़ा आने वाला है बिकॉज उनकी है प्योर ऑफ रोडिंग बाइक। भाई साहब क्या धूल उड़ रहा है यार यहाँ पे तो। भगाओ यार, जितना गाड़ी के पीछे रहोगे उतना ज़्यादा धूल पड़ेगा। अभी किसले भैया को मज़ा आ रहा होगा सैडलिंग करने में, जो कि जस्ट मेरे पीछे है।
ठीक है, अपने भी जो आयरन है उसमें कुछ खास मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, बस ये है कि धूल इतना ज़्यादा है, पहले लेंस पहुँचे तो धूल इतना ज़्यादा है कि आपको रोड जो है वो नहीं दिख, पता ही नहीं चल रहा उतना कुछ खास, बस ये एक थोड़ा सा इशू हो सकता है। यहाँ के मौसम की अगर बात करें अभी तो मैं अभी हूँ या आई थिंक सो के सो गाइस, यहाँ के मौसम की अगर बात करें बोले तो माउंटेन्स के मौसम की, तो मैं सिलीगुड़ी से गाइस हूँ अभी 37.6 किलोमीटर हाइट पे हूँ, तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंड जो है वो लग रही है अभी, ऑल्दो मैंने एक इनर टी शर्ट देन जैकेट लाइनर एंड देन जैकेट पहना, फिर भी मुझे हल्का ठंड लग रही है, मतलब कि ये ठंड पड़ रही है यहाँ पे। और सुनने में आएगा इसकी लाचुंग साइड या फिर 0.0 गुरुदोनमा सब जगह बर्फ से ढका हुआ है, काश अभी के टाइम पे गया होता यार। सो गाइस रोड का कंडीशन आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो में क्या हालत है, बट स्टिल बारिश से तो फार बेटर ही है, बिकॉज बारिश के टाइम पे यहाँ पे लिटरली कीचड़ भरे होते हैं, उसमें से आपको अपनी बाइक को निकालना होता है। सबसे पहला पॉइंट कि जो बाइक है अपनी जो मैं वो भूसा से आया था, तो उसका जो पीछे वाला जो टायर था वो काफ़ी ज़्यादा स्किड कर रहा था, मतलब इस टाइप की, और ऑब्वियस करेगा ही बिकॉज भूसा स्पोर्ट्स टूरर है, इसका यह मतलब नहीं कि आप उससे ऑफ रोडिंग करिएगा, तो वो मुझे इशू हुई थी। बट स्टिल अभी क्या सीन है कि बारिश नहीं है तो बस मिट्टी है बहुत ज़्यादा, और धूल तो भाई साहब बवाल उड़ रहा है बवाल। सो गाइस ऑफ रोडिंग जो है वो होने वाली स्टार्ट, और भैया जो है वो एक्चुअली अपनी बाइक को ले करके जाने वाले हैं नीचे, यही प्लान में है, दौड़ना पड़ेगा यार। यस सो भैया जो है वहाँ से टर्न लेकर के इधर आने वाले हैं एंड सी द रोड, बहुत ही मज़ा आने वाला है अभी, भैया ऑफ रोडिंग करने वाले हैं अभी। आइए ये एक मिनट भैया, लाइए 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 लाइए, साइड से लीजिए ना, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हाँ पैर पे सपोर्ट ही नहीं। We'll be right back.
जहाँ रुकिएगा ना, जहाँ गाड़ी बढ़ेगा नहीं। चलिए चलिए। सो गाइस ये है स्टॉप हम लोगों का यहाँ पे, और चलते हैं यार कुछ मैगी वैगी है ना खाया जाए यार, बिकॉज ऑफ रोडिंग में जो धक्के मारे उसमें सारा का सारा जो खाना है हम लोगों का वो डाइजेस्ट हो चुका है इस बाइक को। कैसा लगा भैया ऑफ रोडिंग करके, एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगा? बहुत मजा आया। तुम लोग नहीं होते तो और मजा आता है ना। नहीं नहीं और मजा आता हम लोग नहीं होते तो। चार ढपकनियां मारे हैं बाइक को, नहीं मार पटाक उटाक के एकदम बराबर किए हुए हैं। हाँ चार बार मैगी जो है वो हो चुकी है आधी खत्म। कैसा था भैया मैगी? पहाड़ी मैगी इज ऑलवेज गुड, सुपर। मतलब भूख लगा था जोर से, मैगी ने बचा लिया यार। आफ्टर दैट ऑफ रोडिंग थिंग क्या बोलते हैं, दो दिन पहले का खाना तक डाइजेस्ट कर दिया। तो खांसी के मारे हालत खराब है यार। सो गाइस राइड को करते हैं स्टार्ट अप वापस से, आफ्टर हैविंग दैट डिलीशियस मैगी। ग्लव्स का गाइस फिर से भूल गया मैं यार, ये भूलने की बीमारी ना अजीब वो होती जा रही है मेरी अब। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सिक्किम सीधा, आई डोंट नो किस लिए वो वेट कर रहा। सिक्किम जाने के लिए परमिशन चाहिए क्या? नहीं यार सिक्किम में तो कोई परमिशन चाहिए नहीं। अच्छा अभी कुछ नया हो गया, नंबर एंट्री होगा, चलिए देखते क्या एंट्री हो रहा है भाई। एक पुलिस वाला बोलता है नंबर एंट्री होगा, एक बोलता है जाओ सिस्टम खराब है यार, चलो चला जाए। तो बस यहाँ से स्टार्ट होने वाला है थोड़ा zigzag वाला रोड, तो मज़ा आने वाला है अभी तो। और गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप हिल्स में राइड कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका ब्रेक है उसको हार्ड ब्रेकिंग मत कीजिएगा। हार्ड ब्रेकिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे जो आप डाउनफॉल में जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस जो ब्रेक, जो आप ब्रेक पे जो या तो पैर रखते हैं नहीं तो फिर वो उंगली से दबा के रखते हैं उसको गाइस हम लोग बोलते हैं हार्ड ब्रेकिंग। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक करके रह गए ना तो आपको सीधा ब्रेक फेल हो जाएगा गर्मी की वजह से। तो इसमें आने वाला है प्रॉब्लम पक्का से, जैसे लास्ट टाइम बहुतों का ब्रेक फेल हुआ था हमारे ग्रुप में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा कि जब भी आप हिल्स में जब भी आप हिल्स में राइड कर रहे हैं तो इंजन ब्रेकिंग कीजिए। मैं तो बोलूँगा मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड गियर इज एनफ, आराम से जाइए। ओहो टनल, इसी टनल में लास्ट टाइम थार से थे यशिल भैया और मैं था अपनी भूसा से पूरा वुंग वुंग करते गया था।
क्या मजा आया था। सो पीपल, यहाँ पे हो चुकी है शाम अब, एंड लास्ट का 1.5 किलोमीटर लेफ्ट है, और यहाँ पे ठंड जो है वो अच्छी खासी है। आज मैंने ग्लव्स नहीं पहना है तो हाथों में ठंड लग रही है यार। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल, जिसका नाम है यंग थिल रेसिडेंसी। पार्किंग का देखना पड़ेगा कि यही तो नहीं है ना पार्किंग। पार्किंग यही है क्या? हाँ, बाइक्स शाम को उधर ऊपर में लाने के लिए मैं बोलूँगा। हाँ, कल तो गाड़ी में इसमें नहीं घूमेंगे ना। हाँ, इसमें गाड़ी में करेंगे या इसमें करेंगे? नहीं नहीं, गाड़ी से जाएंगे, ये बाइक से जाएंगे हम। बाइक से जाएंगे। हम्म, मतलब तब भी ठीक है, ऊपर रहेंगे तो कोई नहीं टच करेगा ना। और यहाँ पे? यहाँ पर भी कोई नहीं टच करेगा, यहाँ पर हमारा पार्किंग है ना ऊपर में। अच्छा, ऊपर में पार्किंग है आपका, यहाँ पर तो गाड़ी आता रहता जाता है ना। अच्छा, बोलो तो थोड़ा करो, आता अभी तो खा हो जाएगा। यही सोच रहा हूँ वहाँ रखने के लिए उधर। सो गाइस, ये रहा हमारा रूम 302, और इंटीरियर तो गाइस काफी अच्छा है रूम का। ऊपर में जैसा कि आप देख सकते हो पूरा वुडन, सबसे सेक्सी पार्ट। और जो इसका कॉरिडोर है वो भी बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ से व्यू जो है बवाल है, एज यू कैन सी नीचे है ना। हाँ, वाटरफॉल है ना पीछे, तो वहीं से जा रहा हूँ नीचे। ये रहा गाइस यहाँ का व्यू, चलते अंदर। और ये रहा बेड अपना प्रॉपर, छोटा सा बहुत ही कूल है। ये रहा बाथरूम, और ये रहा मिरर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। और थोड़ा सा मेरे चेहरे को इग्नोर करें, बहुत दूर से लंबा राइड करके, बट मतलब कितनी बार तो गिरते पड़ते यहाँ पहुँचे हम लोग। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।